Hello dear students, good morning to you. Welcome to Abhinav School's online classes. Let's continue our class today, 7th class math and exercise 2.1. We have solved in previous classes till 2nd question. Now we are going to start 3rd question, okay? 3rd question is, compare the fraction. Now compare the fraction. We will compare the fraction which is greater than, okay? We can't say this is greater, this is greater, okay? So we will first compare में two method by LCM by cross multiply and second by equating denominator. You know very well about it is numerator and it is denominator. First method है by cross multiplication. How do? देखिए 5.8 I have wrote here 5.8 for a person. Okay. Now cross multiply. अब cross multiply देखिए बेटे यहाँ से लेके यहाँ या फिर इस साइड से यहाँ. अदरवाइज आप ऐसे ट्राई करते हो 5.8 और अपॉन 7 ये क्रॉस मल्टीप्लाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे. बट दिस साइड ऑफ एरो इन इज गोइंग इन विच साइड. जो ये साइड एरो है इन विच साइड इज गोइंग टू. यू विल प्रोडक्ट ऑफ दिस 8 एंड 4. यू विल राइट प्रोडक्ट ऑफ दिस 8 एंड 4 for suppose 5 and 7 only those means usi way aap jis side mein arrow of sign ja raha hai usi side mein uska product write kiya. Jaise dekhiye ye is side ja raha to aap 8 aur 3 ka product is side mein kiya. Ab jaise ye 5 aur 7 ka product hai ye is side mein ja raha to iska matlab hai ye product aap is side mein write kiya. Aisa nahi ki 7 and 5 ka product hai 30 35 is greater. So 35 is greater than 32. You know, we know 35 is greater than 32. So iska matlab kya 35 bada hai 32 se. So which fraction is greater? Kaun si fraction badi hai? Dekhiye 35 kis side mein likha hai? Iske is side mein fraction kaun sa hai aapka? 5/8. Means 5/8 is greater than 4/7. Okay? I have understood. ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन और है इसे समझ लीजिए आप लोग. दिस 4/9 एंड 6/30 व्हिच इज ग्रेटर. वी कांट से अबाउट सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन. सो आई क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई में 4/9 4/9 6/13 6/13. अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई मींस ये यहां से स्टार्ट किया इस साइड मींस 13 और 4 का प्रोडक्शन होगा ऊपर किस समय में भी इस साइड 9 और 6 का प्रोडक्शन किस साइड में भी इस साइड. तो देखिए 13 4 जा 52 तो 52 ये रहा. फिर ये 9 6 54. तो ये रहा 54. ये देखिए यहां से इस साइड में इस साइड में आपका 54 राइट है. तो 52 और 54 में व्हिच इज ग्रेटर 54 ग्रेटर. सो ये लाइन का मतलब 54 इज ग्रेटर देन 52 यानी 54 बड़ा है 52 से. तो देखिए 52 ये साइड में 6/13 6/13 में इसका मतलब व्हिच फैक्टर इज ग्रेटर देन 6/13. देखिए 4/9 एंड 6/13 दोनों से व्हिच इज ग्रेटर 6/13. तो जिस जो भी फैक्टर बड़ा है ये एरो का साइन या एरो का साइन ऐसे ही होता है. ओके सेम है वेरी इजी है. सेकंड है आपके एलसीएम इक्विलेटिव डेरिवेटिव के दोनों डेरिवेटिव को इक्वल कीजिए और उन फ्रैक्शन से बताइए व्हिच इज ग्रेटर देन. जो आपका ये प्रोसेस है करने वाला प्रोसेस वो इस वे में आपको बता रहा जो क्वेश्चन फॉर्म में वर्क आउट करेगा. ये प्रोसेस है इक्विलेटिव वाला प्रोसेस तो आपको यहां बताना. देखिए क्वेश्चन 4 है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द असेंडिंग ऑर्डर. मींस जो भी फॉलोइंग फ्रैक्शन है इवन इज फ्रैक्शन वी विल राइट इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मींस लोअर टू ग्रेटर मींस छोटे से बड़ा. असेंडिंग ऑर्डर मींस छोटे से बड़ा लिखना. ओके तो देखिए फर्स्ट हाउ टू कन्वर्ट इट एंड हाउ टू राइट सॉल्यूशन. फर्स्ट we take here LCM of 3, 6, 18 and 24. Why are taking here LCM 3, 6, 18 and 24? Because we want to equal
डेरिवेटिव ऑफ दिस फ्रैक्शन, इन जो फ्रैक्शन है इनकी जो डेरिवेटिव है उनको इक्वल करेंगे, देन यू कैन से इजीली व्हिच इज ग्रेटर देन, हाउ टू आई विल सी, आई विल सॉल्व हियर एंड आफ्टर वी विल सी हाउ टू से कैन इजीली दिस इज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन और सॉरी स्मॉल। ओके देखिए इनका क्या है, एलसीएम है, अब ये प्रोसेस है कि हम हमें इनका क्या करना है, एलसीएम लेना। देखिए एलसीएम इज इक्वल टू इनके 3, 6, 18 and 24, इनके आपको एलसीएम लेना। ओके देखिए फर्स्ट देयर इज गिवन 18, 24 and 6, मींस फर्स्ट ईयर फॉलो द रूल ऑफ 2, ठीक है तेरी, because we can't say divide by 2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 2 12 जा या 12 जा 24, ये प्रोसेस कैसे आ रहा है, means इसको divide करने से प्रोसेस हमें find out होगा। फिर देखिए again 12 है, क्या रोज फॉलो होगा 2 का, 3 का तेरी 3 9 और 6 जा, फिर देखिए again 2 because there is given 6, 3 9 and 2 3 6, now we will follow here the rule of 3, 3 3 3 3 3 9 3 3, again rule of 3, 1 1 1 and 1, now ऐसे क्या होगा, LCM is equal to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 12 और 12 3 जा 72। ओके नाउ We have gotten LCM of 3, 6, 18, 24, 72. Okay, so इसका जो LCM होगा वो 72। अब देखिए प्रोसेस है समझे, तो LCM है आपका 72, तो आपको देखिए 72 राइट करना है, इसके डाउन में भी 72, बिकॉज वी आर डूइंग हियर इक्विटिंग, वी आर फॉलोइंग हियर इक्विटिंग मेथड, इक्विटिंग मेथड का मतलब है डेरिवेटिव क्या करना इक्वल, तो आप LCM देखिए 72 है, 72 72 and 72 इन सब के डेरिवेटिव में क्या लिखना है हमने 72 अब देखिए सिंपलीफाई करना 72 तो 3 से 72 को डिवाइड करेंगे फॉर्म एंड टाइम 24 टाइम जितने से देखिए 72 को डिवाइड करना है 3 से 3 टू जा 6 और 3 4 जा 12 मींस 24, ये जो इससे डिवाइड करते हैं 24 आ रहा है, 24 आपको यहां ऐड करना है एंड न्यूमरेटर में क्या प्लेस करना इसको, ये आपका एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपके कि 72 डेरिवेटिव ऐड किया, अब इसको 3 से डिवाइड करना, फॉर्म एंड टाइम डिवाइड इज गोइंग टू 24 टाइम एंड न्यूमरेटर क्या कर दो, इसी टाइप से 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 12, ठीक है मल्टीप्लाई 5, फिर 18 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम मल्टीप्लाई 7, फिर देखिए 24 से डिवाइड करेंगे 72 को ओवर टाइम 3 टाइम मल्टीप्लाई, मींस ये कैसा आ रहा है, ये 24 है 12 है 4 है 3 कैसा आ रहा है, मींस जब हम इन डेरिवेटिव से इन 72 को डिवाइड करते हैं तो वी गॉट 24 पर 4 3। ओके नाउ नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अगेन 72 72 72 एंड 72। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है 24 टू द 48 12 5 द 60 एंड 4 7 द 28 एंड 3 बन जा 3। अब देखिए यहां से आपका सेकंड ऑर्डर होगा, डेरिवेटिव सेम है, डेरिवेटिव सेम है, अब न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे व्हिच इज लेस देन, मींस कौन सा छोटा है, जो स्मॉलर है छोटा है वो हम वही उसका फ्रैक्शन क्या हो रहा है स्मॉलर है या छोटा हो जाएगा, देखिए कैसे, जैसे देखिए फॉर सपोज ये 3/7 है 28/72 60/48, इसमें क्या करना है आपको जो ये 40 इनसे कंपेयर करना है, डेरिवेटिव से कंपेयर करना है, तो ऐसा नहीं होता है, तो क्या करता है जो सबसे छोटा
छोटे से बड़े मीन स्मॉलर टू ग्रेटर एड करते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा फिजिकल टू, देखिए 48, 60, 28 और 3। अब ये सबसे छोटा ये फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन का यहां से इस फ्रैक्शन का फ्रैक्शन कौन सा है 1/24, तो सबसे पहले लिखेंगे हम 1/24। असेंडिंग ऑर्डर मीन स्मॉलर टू ग्रेटर, तो सबसे छोटा 3 है आफ्टर 28, इसका देखिए 28 का फ्रैक्शन कौन सा है 7/8, 7/18 ये रहा 7/8। आफ्टर 60 और 40 में से स्मॉलर कौन सा है छोटा कौन सा 48, 48 का फ्रैक्शन कौन सा है 2/3, ये रहा 2/3। एंड नेक्स्ट वन लास्ट रिमेनिंग 5/6, इट इज आवर आंसर, वेरी इजी। ओके इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर के सेकंड क्वेश्चन में आपको करवा देता हूं। यहां पर इसमें आपके डी 3/4 7/8 17/32 एंड 7/60। ओके सेम प्रोसेस सॉल्यूशन वी टेक हियर एलसीएम ऑफ 4, 8, 32 एंड 16, एलसीएम लेंगे 2, 4, 16 एंड 8, अगेन 2, 1, 2, 8, 4, अगेन 2, 1, 1, 4, 2, अगेन 2, 1, 1, 2, 1, अगेन 2, 1, 1, 1 एंड 1। इनके एलसीएम क्या होंगे 1, 2, 3, 4 and 5 = 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। ओके तो ऐसे क्या है ये आपके रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कैसे रूल्स फॉलो करते हैं, 4 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। ओके सॉरी 4 का रूल्स में क्या है 2, 3, 5 and 7 रूल्स। ठीक है, हाउ टू फॉलो, आई हैव previous classes about the rule, I have told about the rules of in previous classes. Okay, so देखिए 2 करोड़, 3 करोड़, इसी से आपका LCM find out करना है। Now LCM is 32 here. I write here 32 and 32 here. Okay, now we will follow the method of simplify. There is given for or 4 8 32. मल्टीप्लाई 3, अगेन 8, 8, 8 4 जा 32, ये रहा आपका 4 मल्टीप्लाई 7 और 32 1 जा 32 मल्टीप्लाई 17 और 16 2 जा 32 मल्टीप्लाई 7 मीन्स हाउ टू गॉट इट, ये कैसे फाइंड आउट हुआ हमें, तो देखिए 4 से इसको डिवाइड करना 32 तो हाउ मेनी टाइम 8 है बस, और 8 को 32 से डिवाइड किया 4 टाइम, अब तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट प्रोसेस 32 32 32 एंड 32, अगेन का प्रोसेस होगा 8 जा 24 7 4 जा 28 7 2 जा 17 और 7 2 जा 40। ओके नाउ व्हिच इज स्मॉलर देन विल आवर आंसर, देखिए हाउ टू असेंडिंग ऑर्डर, नाउ हियर असेंडिंग ऑर्डर व्हिच इज स्मॉलर which fraction we will write first, okay? There is given 14. Means, ये fraction है हमारा smaller है. इस fraction का, इसका fraction कौन सा है? 7/16. So first we are right here 7/16. Next है 17. Next है 17/32. 17/32 का fraction कौन सा है? 17/32 ये है. 17/32. फिर next देखिए, which is smaller? 28 and 24 between 24. 24/32 का फ्रैक्शन नो 3/4, ये रहा 3/4 एंड नेक्स्ट वन रिमेनिंग 7/8, इट इज आवर आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज सेम, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, सेम टू सेम प्रोसेस, ये दिस प्रोसेस है बट ओनली चेंजिंग हियर गिवन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस ग्रेटर टू स्मॉलर, मींस बड़े से छोटा लगता है, सेम प्रोसेस है प्रोसेस फॉलो होगा बट ओनली आपको क्या करना है, पहले जो बड़ा नंबर है जैसे फॉर सपोज 60 वाला 60/70 है, तो इसका फ्रैक्शन कौन सा है 5/6,
ओनली इतना चेंजिंग है इसमें कि आपको बड़े से छोटा लिखना है. तो नाउ दिस क्वेश्चन आई एम इसमें इसकी ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन इसीलिए स्किप करा रहा हूं बेटे कि सेम टू सेम प्रोसेस है ओके. अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज में सेंड करना. फिर देखिए सिक्स क्वेश्चन इज सेम. क्वेश्चन सिक्स फर्स्ट यू विल राइट हियर आफ्टर यू विल स्टार्ट द सॉल्यूशन ओके. सिक्स वन लिसन व्हाट नंबर शुड बी वेरी इजी क्वेश्चन. व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू फाइव and 1 upon 4 to get 7 and 2 upon 5. Means question is saying, question कह रहा है कि 5 and 1 upon 4 में क्या add करें to get 7 and 2 upon 5. कि 5 and 4 में 5 and 1 upon 4 में क्या add करें 7 and 2 upon 5 find out. Answer. तो देखिए the number solution बता रहा हूँ आपको. Question आपसे हम write करेंगे the number should be added is equal to x. Means question कह रहा है 5 upon 4 में क्या add करना है. तो वो number हम क्या suppose कर रहे हैं x to get 7 and 2 upon 5. देखिए 5 and 1 upon में plus करना है x को is equal to क्या get find out करने के लिए क्या प्राप्त करने के लिए 7 and 2 upon 5. Okay. तो you know about how to simplify. कैसे सिंपलीफाई करें उसी टाइप से दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व. वेरी इजी. फर्स्ट इट इज गिवन विद फ्रैक्शन सो कन्वर्ट इन प्रॉपर फ्रैक्शन 4 5 का 20 20 प्लस 1 21 अपॉन 4 प्लस x इज इक्वल टू 7 5 35 35 प्लस 2 37 अपॉन 5 ओके. नाउ एलसीएम लेंगे. एलसीएम इज का 4 4 बन जा 4 1 टाइम मल्टीप्लाई 21 प्लस या रिमेनिंग कैलकुलेशन से इसका मतलब क्या है 1 है. 1 से डिवाइड करेंगे 4 4 को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा 4x इज इक्वल टू 37 अपॉन 5 ओके. नाउ व्हाट विल प्रोसेस विल बी फॉलो हियर. क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई मींस इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे और 4 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखिए ये आपका हो गया 21 प्लस इनको मल्टीप्लाई किया 4x अपॉन 4 is equal to 37 upon 5. Now here we will do a cross multiply. Yeah, cross multiply करेंगे. अब इसको 21 plus 4 x को 5 से multiply करना है और 37 को 4 से multiply करना है. तो देखिए 5 से multiply के इस पूरे terms को 21 5 जा 105 plus 4 5 जा 20x is equal to 37 को multiply करेंगे 4 से 148. ओके. नाउ अभी प्रोसेस क्या है 105 प्लस 20x इज इक्वल टू 140. अब इसको हम क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे 20x लेफ्ट हैंड साइड में पुट अप करेंगे एंड 48 ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 105 है. 105 को 105 से क्या करेंगे राइट हैंड ट्रांसफर करेंगे तो साइन विल बी चेंज मींस पॉजिटिव टू नेगेटिव. 105 इज इक्वल टू 20x अब माइनस करेंगे क्या आएगा आपके आंसर 3 एंड 4 14 ओके. नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x हियर. इट इज गिवन इन मल्टीप्लाई सो x इज इक्वल टू 43 एंड नाउ आई ट्रांसफर हियर 20 मींस देयर इज गिवन इन मल्टीप्लाई सो साइन विल चेंज मींस डिवाइड मींस ये किस में आएगा डिवाइड. तो x इज इक्वल टू क्या होगा आपका 22 is 40 remaining 3. It means you are adding right away also. 22 is 40 plus remaining 3 and 20. Answer. Means what is the value of x? X value kya aati hai? 2 and 3 upon 20. Okay, so that will be your work. Take care. Bye bye.